Hey guys, welcome to my channel मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम मनाने जा रहे हैं एक डे बिल यानी कि एक चॉप। ये स्ट्रीट फूड कोलकाता में बहुत ही फेमस है। इसे आप शाम के वक्त चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मुढ़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। इसका स्वाद जो है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। दूसरी ओर मैंने 3 उबला हुआ अंडा लिया है। अब चलिए मसाला रेडी करते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी ओर एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और ग्रीन चिली स्वाद अनुसार। कढ़ाई को गर्म करेंगे हम और उसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म करेंगे। गर्म हो जाने के बाद उसमें हम कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ कूटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे और इसको करीब 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। उसके बाद जो मिक्स किया हुआ मसाला है वो हम ऐड कर देंगे और करीब इसे लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना पानी मसाले में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ ही में हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे और इसे करीब 30 सेकेंड के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब मैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे और इसे करीब 1 मिनट के लिए हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे ताकि मसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने दे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार ग्रीन चिली ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हाथों के द्वारा हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये रेडी है। दूसरी ओर मैंने अंडे को बीच में से इस तरह से काट लिया है। एक तरफ मैंने मैदा लिया है, दूसरी ओर ब्रेड क्रम्स और एक अंडा लिया है। मैदा में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स में भी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और अंडा में भी, मिक्स कर लेंगे। अंडे में थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम आलू लेंगे और इस तरह से पहले राउंड शेप देंगे, फिर उसके बाद हाथों के द्वारा फ्लैट कर लेंगे इस तरह से और इसके अंदर हम अंडा रख देंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे। देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है और ओवल शेप देना है। सबसे पहले मैदा में कोट करेंगे इस तरह से और उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे इस तरह से। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखिए, बाकी भी कर लेती हूँ। देखिए रेडी है। इसे करीब 10 मिनट के लिए हम सेट होने देंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये टूटे ना। 10 मिनट बाद एक डबल फ्राई होने के लिए तेल गर्म हो रहा है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। तेल गर्म हो जाने के बाद एक टेबल को हम डाल देंगे इस तरह से और तेल को इस तरह से चलाते रहना है ताकि टेबल जो है वो नीचे से चिपके ना और चारों ओर अच्छे से पके। देखिए, ये फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल देंगे और बाकी एक टेबल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। ये हो गया है। चलिए अब इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। एग डेविल रेडी है। इसे गर्मा गर्म चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
इसे एक बार घर में जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।